10 बेस्ट मूवीज ऑफ 2023 अकॉर्डिंग टू मी, और मेरी तुम्हारी लिस्ट अलग हो सकती है, तो अपनी लिस्ट कमेंट्स में जरूर बताना, बट पहले मेरी जान लो। तो नंबर 10 पे है विरूपक्षा, जो एक ए रेटेड साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी है, जिसमें हमें एक विलेज दिखाया जाता है जहाँ पे अचानक से काफी सारे लोगों की डेथ होनी चालू हो गई है, और ये डेथ क्यों और कौन कर रहा है वो तुम मूवी देखकर जानो। मूवी के क्लाइमेक्स ने मेरे को काफी ज्यादा सरप्राइज किया था, प्लस इसका बीजीएम उस क्लाइमेक्स सीन को काफी अपलिफ्ट करता है। और इसके क्लाइमेक्स की तरह हम भी अब जाते हैं लिस्ट में और बात करते हैं नंबर 9 जाने जा, जो एक थ्रिलर मूवी है जिसमें हमें जयदीप अलावत, विजय वर्मा और करीना कपूर देखने को मिलते हैं। मूवी में करीना कपूर गलती से एक मर्डर कर देती है, जिसके बाद वो उस बॉडी को छुपाने लगती है। अब इस सिचुएशन में जयदीप अलावत और विजय वर्मा के कैरेक्टर कैसे इस मूवी में इन्वॉल्व होते हैं और करीना ने किसका मर्डर किया था और क्यों, वो मूवी देखकर जानो। अगर मूवी का क्लाइमेक्स थोड़ा सा और बढ़िया होता तो ये मूवी लिस्ट में और भी ऊपर जाती, बट हम लिस्ट में ऊपर बढ़ते और बात करते हैं नंबर 8 की। तो नंबर 8 पे है पोनियन सेल्वन पार्ट 2, जो पिछले साल आई पोनियन सेल्वन का सेकंड पार्ट थी, और इसमें हमें वॉर ड्रामा और डार्क पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, जहाँ पे चियान विक्रम और ऐश्वर्या राय की एक्टिंग तुम्हारा दिल जीत लेंगी। इसके बाद नंबर 7 पे है मनोज बाजपेयी की सिर्फ एक बंदा काफी है, जो एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बनी एक मूवी है, जिसमें मनोज सर की एक्टिंग ने 4 चांद लगा दिया है, और जो मूवी के लास्ट में मनोज सर का मोनोलॉग है वो तुम्हें गूज़बम्प्स दिला देगा। गूज़बम्प्स तो नंबर 6 की मूवी भी दिला देगी, क्योंकि नंबर 6 पे है जोरा। ये मूवी काफी ज्यादा अंडररेटेड रह गई है, बिकॉज ये मूवी इस मंथ 8 तारीख को रिलीज हुई थी। एनिमल और सैम बहादुर की सक्सेस की वजह से इस मूवी को काफी कम स्क्रीन्स भी मिले थे, ऊपर से डंकी और सलार भी इसी महीने रिलीज होनी थी, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों ने इस मूवी को थिएटर्स में देखा ही नहीं। इस मूवी में हमें एक फादर को दिखाया जाता है, जो कि कुछ भी करके अपने बच्चों को बचाना चाहता है उन लोगों से जो कि उसके पास से जुड़े हुए हैं। वो लोग इनको क्यों मारना चाहते हैं और ये उनसे बच पाते ये नहीं पाते, ये इस मूवी में देखकर जानो। मनोज वाजपेयी ने जो इस मूवी में एक्सेंट पकड़ा और जिस प्रकार की एक्टिंग करी है वो तुम्हारा दिल जीत लेंगी, और इसका क्लाइमेक्स तुम्हें सरप्राइज भी कर सकता है। सरप्राइज तो मेरे को नंबर 5 की मूवी ने भी किया था जब मैंने इसको देखा था। तो नंबर 5 पे सत्यप्रेम की कथा। अब मैं जान रहा हूँ कि मैंने इस मूवी को थोड़ा सा लिस्ट में ऊपर रखा है, बट ये मूवी मेरे लिए एक सरप्राइज थी इस साल की, बिकॉज ट्रेलर से ये मूवी मेरे को एक रोमांटिक स्लाइस ऑफ लाइफ लग रही थी, बट ये मूवी एक ऐसे टॉपिक पर बात करती है जो तुम्हें अंदर तक हिला देगा। ऊपर से कियारा आडवाणी ने जो इस मूवी में परफॉर्मेंस दी है वो उनके करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस रहने वाली है। और इसके बाद बात करें तो नंबर 4 पे जवान। जब एसआरके के चार्म और स्वैग के साथ एटली का डायरेक्शन और अनिरुद्ध का म्यूजिक मिला दिया जाए, तब बनती है जवान जैसी मूवी, जिसका सिनेमा एक्सपीरियंस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे था, जहाँ पे बहुत सारा मजा भी आया था मूवी को देखने में। साथ में ये मूवी जो मैसेज हमें देती है वो भी काफी अच्छा था, और अच्छी तो नंबर 3 की मूवी भी है, क्योंकि नंबर 3 पे है जेदर। इस मूवी में हम एक ऐसे फादर को देखते हैं जो अपने बेटे के किलर को ढूंढकर मारना चाहता है। काफी बेसिक सा प्लॉट है, बट इस मूवी में जिस तरीके से रजनीकांत सर को प्रेजेंट किया गया है, साथ में जो अनिरुद्ध का बीजीएम है, वो इस मूवी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। साथ में इसका इंटरवल का सीन हो या इसका एक्शन, सब कुछ तुम्हें मजा दिला देने वाला है, और मजा तो मुझे नंबर 2 की मूवी ने थिएटर में दिला दिया था, क्योंकि नंबर 2 पर है एनिमल। अब इस मूवी को नंबर 2 पर रखने के लिए तुम मुझे कुछ भी कहो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इस तरीके की मूवी मैंने अभी तक इंडिया में तो नहीं देखी। और मैं जानता हूँ कि मूवी में बहुत सी ऐसी चीजें थी जिसे अच्छे से दिखाया जा सकता था या गलत तरीके से दिखाया गया है, बट इसकी म्यूजिक चॉइस और जिस प्रकार से संदीप रेड्डी वांगा ने इसको प्रेजेंट किया है, साथ में रणबीर कपूर की एक्टिंग, वो उसे एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। ऊपर से ये मूवी एक ऐसे बॉन्ड को दिखाती है जो हम इंडियंस कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते, जो है फादर और सन का बॉन्ड, जिसके ये मूवी फ्लॉड कैरेक्टर्स के थ्रू ही सही लेकिन दिखाती है। अब इसके बाद नंबर 1 की बात करें, उससे पहले कुछ ऐसी मूवीज देख लो जो इस लिस्ट में आते आते रहेगी। वो मूवी है डंकी, सलार, पठान, लॉस्ट, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, लियो, पीपा एंड रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। और अब बात करते हैं नंबर 1 की। तो नंबर 1 पे है 12th फेल, जो मेनली इस साल की सबसे बेस्ट मूवी थी। इस मूवी में हमें एक आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा की रियल लाइफ स्टोरी बताई गई है कि कैसे वो एक छोटे से गांव से निकलकर एक आईपीएस ऑफिसर बने, इस जर्नी में उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वो सब हमें इस मूवी में दिखाया जाता है। देखो, ये मूवी मनोज सर की रियल लाइफ से कितनी ज्यादा क्लोज है मैं नहीं जानता, बट ये मूवी काफी ज्यादा रियलिस्टिक और नेचुरल लगती है, और इसमें जिस प्रकार की परफॉर्मेंस विक्रांत मैसी ने दी है वो मूवी को एक स्टेप और ऊपर ले जाता है, जिसकी वजह से ये मूवी मेरे लिए इस साल की सबसे बेस्ट मूवी बन जाती है। अब ये तो थी मेरी लिस्ट। मैं जानता हूँ कि मैंने मेजरली हिंदी फिल्म्स को ही इंक्लूड किया है, जिसका कारण ये है कि मैंने अधिकतर हिंदी मूवीज ही देखी है, बट फ्यूचर में मैं और भी इंडस्ट्रीज की मूवी देखूंगा और उन पर बात करूंगा। अगर वो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में एल्गोरिदम के हिसाब से तुम्हें मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगने वाली है, तो इसको जरूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।